भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तनबीर आलम को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। घटना को लेकर विश्वविद्यालय थाना में प्रिंसिपल ने लिखित शिकायत की है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही इस तरह की धमकी उन्हें किसने और क्यों दी, इसकी भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में तकनीकी टीम से भी मदद ली जा रही है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तनबीर आलम ने पुलिस को मोबाइल नंबर और ऑडियो भी उपलब्ध कराया है, जिससे धमकी दी गई है। वहीं पुलिस नंबर के वास्तविक धारक का पता लगा रही है। सुनिए किस तरह मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तनबीर आलम को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हेलो। हेलो, हाँ तुमको समझ में आ रहा होगा? हाँ, हेलो तुमको समझाया तो स्कूल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? हेलो। अरे तुमको समझाया था कॉलेज नहीं छोड़ेगा? हाँ हाँ, अगले बार तो पढ़वी कर लिया था ना, इस बार तो पढ़वी कर लेगा, इस बार तो बचेगा नहीं। मेरा भी साइड में लगा हो तो कहाँ बैठता कहाँ उठता, समझ गए ना? पर भी करता है समझे ना बेटा, देखो बोरियम में पैक कर दो हम, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है? है ठीक हाँ बेटा, तो बचेगा नहीं इस बार। इधर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ने प्रभारी प्राचार्य को धमकी दिए जाने की निंदा करते हुए गुरुवार की शाम आपात बैठक की। बैठक के दौरान प्रिंसिपल ने एमईसी को बताया कि अपराधियों ने फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद उनका परिवार दहशत में है। दूसरी ओर एमईसी ने मामले को गंभीरता से लिया है। एमईसी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम और महासचिव प्रोफेसर फारूक अली सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि पूरी कमेटी मजबूती के साथ डॉक्टर तनबीर के साथ खड़ी है। मामले को लेकर मुस्लिम कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान और उप प्राचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने कहा कि डॉक्टर तनबीर का किसी से कोई झगड़ा या विवाद नहीं है। प्रिंसिपल का व्यवहार सभी के साथ अच्छा है। जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तनबीर आलम ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को सभी बिंदुओं से अवगत करा दिया है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हमको 11 तारीख को शाम 5:30 बजे, मैं कॉलेज में ही था उस टाइम, हमको एक फ़ोन आता है जिसमें हमको बोला जाता है कि तुम कॉलेज छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा तो तुमको बोरे में पैक कर देंगे, तुम बचेगा नहीं। हम अचंभित रह गए सुन करके। उसके बाद हम घर चले गए। कल हमने अपने सारे परसों हमने जो है अपने शासी निकाय गवर्निंग बॉडी को हमने इसकी सूचना दी। एक आपात बैठक कल बुलाई गई इसके लिए, और फिर उसके बाद कल शाम में हम थाना गए जहां हमने आवेदन दिया। अभी हमको थाना से फोन आया था, अभी हम थाना से फिर दोबारा गए थाना अभी, तो हमको बताया कि आपका केस हो रहा है, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, 1-2 दिन में सब हो जाएगा। और पहले से ना हमको किसी पर शक है, ना इस तरह की कभी कोई घटना घटी कॉलेज में, या मेरे साथ कॉलेज के बाहर भी किसी से विवाद नहीं है, दोस्तों में, तो सर्किल में, या उठने बैठने वाले में, मोहल्ले में, या कॉलेज में, सारे स्टाफ के बीच में भी हम काफ़ी लोकप्रिय हैं। पहले किसी तरह की इस तरह की धमकियां मिली आपको? नहीं, कभी किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली, पहली बार ये कॉल आया। क्या लगता है कि प्रिंसिपल का पद संभालने के बाद ऐसा घटना हो? नहीं, ये तो अब जांच में पता चलेगा। हमको तो कॉलेज छोड़ने की धमकी मिली है और ये पहली बार मिली है हमको। इससे पहले कभी कोई कॉल नहीं आता है, कोई कोई बात नहीं है, कभी किसी तरह का कोई बात नहीं है। और 2-3 दिन हम काफ़ी दहशत में हैं और अभी भी हम दहशत में हैं। घर से हमको इजाज़त नहीं है कॉलेज आने का। तो कल गवर्निंग बॉडी की तरफ से काफ़ी हमको हौसला अफजाई की गई। हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब यहाँ पर, परवेज साहब हैं, लोग सब, सारे लोगों ने हमको हौसला अफजाई किया। स्टाफ ने हमको घर पर जाके हौसला दिया कि आप कॉलेज आइए, आराम से आप काम कीजिए, जैसे कर कप्तान से क्या मांग करेंगे? या हम अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे इस तरह की बात हो। और ये जो हमको एक अननोन नंबर से जो कॉल आया है, इसको पूरी तहकीकात की जाए कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या वजह है इसकी। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। परिवार मेरा दहशत में है। ये बहुत बुरी चीज़ है। ये आप अगर देखेगा इसको तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल को इस तरह से धमकी देना,
ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और पूरी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, पूरा कॉलेज, पूरे कॉलेज के स्टाफ सब प्रिंसिपल साहब के साथ एकजुट खड़े हैं। प्रशासन से मांग क्या करना है, जो जिसने फोन किया है उसका नंबर है, उसका रिकॉर्डिंग है, प्रशासन उसको खोजे, पता करे कि ऐसा बेहुदा हरकत किसने किया है, और जो उसके हिसाब से उसको सजा मिलती है सजा दी जाए। जो धमकियां मिली है दो रोज खबर, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और मजम्मत ही नहीं करते बल्कि ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये बहुत उगता हुआ कॉलेज है और एक रिनॉल्ड कॉलेज है। यहाँ पठन पाठन का माहौल है, यहाँ सारे लोग मुहज्जब हैं, सब प्रोफेसर हैं, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एजुकेशन का पार्ट होता है। हमारे इन चार साहब को जिस तरह से फ़ोन पर धमकी दी गई, मैंने कल भी कहा था उन लोगों के माध्यम से कि उन तमाम शैतानी चेहरों को मैं दावत देता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की तुम लोगों ने हिमाकत भी करने की कोशिश की तो शायद ये दुनिया का आठवां अजूबा होगा। और मैं एक बात और साफ कर दूं, मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज का हर वो स्टाफ, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग हो, फोर्थ ग्रेड हो, पूरी मजबूती से अपने इंचार्ज के शाना बशाना और अपने मैनेजमेंट के साथ है, और हम लोग भरपूर ताकत से इस शैतानी ताकत का जो है हम लोग सामना करेंगे। और हम लोग कल गए थे, हमारे सचिव महोदय भी थे, हम लोग थाना गए, वहाँ हम लोगों ने FIR के लिए MEC में यह फैसला हुआ कि MEC की तरफ से जो ऑफिस बेयरर हैं वो SP सीनियर SP साहब को डेलीगेशन देंगे, और हम लोगों को ये हुक्म हुआ कि आप लोग जाके थाना में FIR पहले कीजिए। रात को हम लोग रिटर्न में दे चुके थे, अभी मैडम ने बुलाया था, अभी एक घंटा मैडम से बात हुई, अफसर इंचार्ज से उनसे सारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर आईना दुनिया के सामने होगा। गुम और चोरी हो गए स्मार्टफोन और मोबाइल को बरामद करने के लिए भागलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान से आज 30 चेहरों पर खुशी छा गई। नगर पुलिस कप्तान मिस्टर राज ने वास्तविक धारकों को उनका गुम या चोरी हुआ मोबाइल लौटाया। मोबाइल मिलते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, उनके चेहरों की मुस्कान देखने लायक रही। SP ने बताया कि भागलपुर पुलिस की तकनीकी शाखा द्वारा गुम या चोरी हुए स्मार्टफोन और मोबाइल की बरामदगी के लिए लगातार ऑपरेशन मुस्कान का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम और चोरी हुए मोबाइल की दर्ज घटनाओं को एकत्र कर तकनीकी जांच कर मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान जो चलाया जा रहा है, जिसमें गुम हुए मोबाइल की हम लोग प्राप्ति कर उनके स्वामित्व को सौंपते हैं। इस बार कुल 25 मोबाइल सौंपा गया है और अब तक कुल 384 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, इसको हम लोगों ने उनके स्वामित्व को सौंपा है। इस बार एक लगभग काफ़ी महंगा मोबाइल भी, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की मोबाइल भी थी, तो उनके द्वारा भी बहुत धन्यवाद प्रकट किया गया है। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, DIU की टीम और थाना की टीम, और लोगों से भी अपील है कि अगर मोबाइल उनका गुम हो जाता है तो तुरंत सूचना थाना को दें, और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उसमें हम लोग का जो सरकारी नंबर उपलब्ध है उस पर हम लोग को सूचित करें, उनकी जो है मोबाइल खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनके मोबाइल को रिकवर करके उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। आज कुल 25 मोबाइल हम लोग देने के वितरण करने के लिए रखे हुए थे, इसमें से कुल 20 लोग आए हैं, इनको दिया गया है, और बाकी अन्य मोबाइल भी जो है उनको अगले चरण में सौंप दिया जाएगा। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भागलपुर के लाजपत पार्क में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरे भारत सरकार की कमान है, नीतीश कुमार अगर ना चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी, इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथों में, नीतीश कुमार ने इसके एवज में क्या मांगा, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा,
बिहार के जिलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ये नहीं मांगा, तो फिर बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्या मांगा। नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहें और इसके लिए भाजपा भी समर्थन कर दे। इसके पूर्व भागलपुर में जनसुराज से जुड़े लोगों ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। अभी दो दिन पहले आप 5 दिन पहले देखे होंगे मीडिया को आ रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। कितना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में? नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा लगातार ने सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था, 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था, अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के सलेमपुर पंचायत स्थित फौजदारी गांव में बन रहे फोरलेन सड़क निर्माण को स्थानीय ग्रामीणों ने बाधित कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी का कहना था कि पुल का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होने देंगे, पुल नहीं बनने से हम लोगों को काफी समस्या हो रही है। प्रदर्शनकारी सुधांशु यादव ने बताया कि हम लोग 1 माह पूर्व विभाग को पुल निर्माण को लेकर आवेदन दिए थे, तब अधिकारी ने पुल निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन आज जब अधिकारी से बात किए तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पुल का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ सड़क ही बनेगा। फौजदारी ग्राम की आबादी, पूरी आबादी कृषि प्रधान गांव, और कृषि एक जीविका है, अगर फसल अच्छा नहीं होती है तो हम लोगों की स्थिति खराब रहती है। और ये रोड है, फोर लेन का निर्माण हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है देश के लिए, लेकिन हमारे गांव का विकास रोका जा रहा है इसी फोर लेन के माध्यम से। रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि ये फोर लेन जिस रोड के ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जो आवागमन रुक जाएगा। हम लोगों का पूरा इस गांव से जो रोजी रोटी आती है इसी रोड से आता है, और ये रोड आगे मरगंग घाट जाता है गंगा किनारे, जहाँ हम लोगों का छठ का एक आस्था का पर्व है, इसी रास्ते से हम लोग छठ का डाला ले जाते हैं, इसी रास्ते से हम लोगों का जो भी हिंदू रीति रिवाज के रास्ते जो लोग गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, उनका इसी से लाश इसी रास्ते से जाता है, और जो भी आमदनी आती है इसी रास्ते से आती है, कृषि का जो भी हमको लाना होता है इसी रास्ते से आता है, और इसको रोका जा रहा है फोर लेन के माध्यम से। कि यहाँ जो फौजदारी और सलेमपुर का जो मुख्य मार्ग है उसके बीच में एक रोड आता है जो ग्रामीण रोड है, जो कि पूरे शहर से और गाँव से ये रोड मिलता जुलता है, और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि फोर लाइन के द्वारा आला अधिकारी द्वारा यहाँ जो पुल था वो पुल यहाँ से हटा कर कहीं और दे दिया गया, और यहाँ पुल नहीं बन रहा है, और पुल नहीं बनने से पूरा यातायात, पूरा जो जो किसान गृहस्थ का जीवन है वो पूरा धस धस हो जाएगा इस पुल के ना बनने से। क्या अपना परिचय के साथ जुड़ा हुआ? जी हाँ, ये हमारे इधर एक गंगा नदी है, जहाँ के तमाम बिहार का जो महापर्व है जानते हैं कि छठ महापर्व है, और जो छठ घाट है इसी रास्ता से ऊपर जाता है आगे गांव के लोग। आप लोग का मांगने पूरा तो आगे क्या कदम आगे हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा शांति अनिश्चितकालीन। इस फौजदारी गांव से जो मेन रोड गया है यह बहुत 1918 से 1920 से चल रहा है, इसमें सब रोड जाता है, ग्रामीणों लोगों का आने जाने का रास्ता है,
लाश जाता है और बोझा डोझा खेती गृहस्थी का काम इसी रोड से है सब लोगों का, और अगल बगल के गांव भी इसी रोड से जा करके वहां पर पार होकर के उस पार अठनिया मोहनपुर मधुबन ओझा टोली जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ किसान वर्ग के लोग, और यहाँ पर पुल नहीं होने से हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना पड़ने का, इसलिए हम आप इन लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर रोड देने का कृपा की जाए और इसको आगे काम में बढ़ाया जाए, और जो भी काम हो रहा है उनको हम लोग रोके हुए हैं और रोक करके अपना चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं कि हम लोग को तो पुल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितना दिनों से आप लोग काम को रोके हुए हैं यहाँ पे? आज तो रुकना तो आज शुरू किए हैं, लेकिन पहले से भी दरखास्त दिए थे कि इसको किया जाए, लोग आश्वासन दिया था कि यहाँ पर हम लोग पुलिया का निर्माण करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं हो उसका नक्शा क्या है क्या नहीं है और उसको अपना बना रहे हैं। आज हम लोगों को मालूम हुआ कि वो कहता है कि हम रोड नहीं देंगे, आप लोग आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं सब करेंगे काम बन के, आप लोग जेल भेज देंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, थाना को बुलाएंगे तो ये कहेंगे वो कहेंगे, ये सब आश्वासन डरवाता है। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, जो भी आए हम लोग तो प्रार्थना है कि पुल चाहिए और आने जाने के सभी लोगों का रास्ता का। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शुरू हुए 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गुरुवार को किया। वहीं कृषि मंत्री ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पीरपैंती विधायक ललन पासवान काफी नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत सभी सीनेट और सिंडिकेट के सदस्यों को भी इसमें आमंत्रण देना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय ने सीनेट और सिंडिकेट के कुछ सदस्यों को बुलाया और कुछ लोगों को नहीं बुलाया।
विधायक प्रीति भागलपुर आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सीनेट हॉल और आर्ट गैलरी का उद्घाटन समारोह था, साथ ही साथ एक विश्व स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसके उद्घाटनकर्ता सर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल बिहार और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार आमंत्रित थे। मैं बिहार विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सबौर का सीनेट सदस्य, प्रोटोकॉल के तहत सभी सीनेट सदस्य को, सिंडिकेट के सदस्य को और जिले के सभी माननीय विधायकगण सांसद को इसमें आमंत्रित करना चाहिए था। ये हम विधायकों सांसदों का विशेषाधिकार है, लेकिन वहाँ के कुलपति और कुछ अधिकारियों ने इसको तवज्जो नहीं दिया क्योंकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के गड्ढा बन गया। वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर सीनेट के सदस्यों का आना जाना हो, स्थानीय विधायकों का कोई छानबीन हो। इस वजह से हर कार्यक्रम में हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी सूचना हमने लिखित सूचना दी है बिहार विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के पदेन सदस्य माननीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी को कि विशेषाधिकार के तहत इसकी सुनवाई की जाए और विशेषाधिकार कमेटी के द्वारा इसकी जांच की जाए। जांच के लिए कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और इसमें संलिप्त सभी अधिकारियों को सौ शरीर बिहार विधानसभा के विशेषाधिकारी समिति के सामने पेश किया जाए। यह हमारे विशेषाधिकार का हनन का मामला है। हम इस मामले को हनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने विशेषाधिकार के हनन से हम आहत हैं, दुखी हैं और कंप्लीट यह संविधान और लोकतंत्र की धज्जी उड़ाया है कुलपति और वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। हमने आज इसकी लिखित सूचना दी है विशेषाधिकार समिति को और जल्द इस पर सुनवाई होगी और सशरीर कुलपति को और संबंधित अधिकारियों को आकर इसकी जांच होगी और आकर उसको जवाब देना पड़ेगा। भागलपुर के नाथनगर थाना में पदस्थापित एक दारोगा को दूसरी महिला के साथ देखकर उसकी पत्नी ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। दारोगा की पत्नी नाथनगर थाने से कुछ दूर स्थित एक मकान में पहुंच गई जहां दारोगा दूसरी महिला के साथ मिला। यह देख पत्नी आग बबूला हो गई और हंगामा करने लगी। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग जुट गए। बता दें कि एक माह पहले भी पत्नी ने इसी बात को लेकर हंगामा किया था। उस वक्त नाथनगर इंस्पेक्टर ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया था। हालांकि हल्ला सुन पहुंचे नाथनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने गुरुवार को भी मामला शांत करा दिया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।